फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अज़ीज़ लोकापल्ली। आइए, आज मेरे साथ मौजूद हैं नालबन जनाब। आज जो हलाल कट के हवाले से लेकर इसको लेकर जो इश्यूज दुनिया भर में हो रहे हैं, हम उनसे मालूम करते हैं, देखेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो हालात हैं, हिजाब का मसला है, हलाल और झटके का मसला है, ये सारी चीज़ें एक शरारत की बुनियाद है ताकि मुसलमानों के जहनों को उलझा कर रखना, परेशान करना और सोचने से इनको दूर रखना। लेकिन इन तमाम के लिए मैं कहूँगा कि सब्र से काम लें, हमारे अखलाक और हमारे दीनी तौर तरीके को हम पेश रखें। हम अपने आप को उन चीज़ों से बचाना तो हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम दीनदार हैं, कलमा गो हैं। हमारे लिए जो हलाल है और हराम है ये तमीज़ करने वाले हैं, तो इस तमीज़ के साथ, जैसा कि मैं यहाँ आपको एक मिसाल पेश करूँगा, जबकि कोविड का दौर था उस वक्त हमारे नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और गैरों में भी जो उन्हें खौफ था वो अपने रिश्तेदारों की लाश के करीब आना नहीं चाहते थे। ऐसी सूरत में हमारे ये नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, उनके मजहबी रस्म रिवाज के मुताबिक उनके आखिरी अयाम, उनके आखिरी रसूमात को अंजाम दिए। ऐसी सूरत में ये हर कहें इसकी सताइश हो रही है। तो इसी तरीके से हम हमारे भाईचारे के साथ रहें और हमारे किरदार से उसका जवाब दें और हमें सोचें कि हमें इस जमहूरी मुल्क में किस तर्ज पर रहना है। हमारी सबसे बड़ी कोताही यह है कि हम हमारे भारत के दस्तूर को नहीं जानते। हम जिस इलाके में, जिस जगह पर हैं, जहाँ हैं, जिस सोसाइटी में हैं, जिस इदारे में हैं, उसके बायलाज, उसके दस्तूर को, उसके उसूलों को नहीं जानते। ये न जानना ही सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी है। हम अगर इन उसूलों को जानकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी भी एक ऐसी क़ुव्वत, ऐसी ताकत बनेगी कि हमारे किरदार के साथ वो बराबर समझौता करेंगे और वो शर्मिंदा होंगे। हमें उन्हें शर्मिंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हमारे किरदार से हम उन्हें सबक सिखाना चाहिए। यह हमारा मज़हब सिखाता है। हम मज़हब के उसूलों के साथ अमल करते हुए औरों के साथ भी भाईचारे का सबूत दें। फ्रीडम न्यूज हुबली, कॉन्टैक्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट, होटल्स, चिकन शॉप, ज्वेलरी शॉप, ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कॉन्टैक्ट 9844509978। कॉन्टैक्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट, इंक्रीज योर बिजनेस।